तो दोस्तों, भारत ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत किसी भी काम में पीछे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत के चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर लिया है जिसकी कल्पना और परीक्षण पूरी दुनिया कर रही है। तो आइए बात करते हैं भारत के इस मेड इन इंडिया यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फ्लाइंग कार्स का निर्माण किया जा रहा है जिसमें ज्यादातर चाइना और जापान की कंपनियां बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करती हैं। वहीं साउथ कोरिया ने भी रिसेंटली एक ऐसी फ्लाइंग कार को बिल्ड किया था और इसकी जरूरत दुनिया में इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है और लगातार बढ़ रही पॉपुलेशन की वजह से जो सड़क पर समस्याएं हैं उनसे भी समाधान पाया जा सकता है। तो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है विनाटा एरो मोबिलिटी, इन्होंने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एशिया की पहली मेड इन इंडिया फ्लाइंग कार बनाकर के तैयार कर ली है, जहां पर देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और एएनआई ने तो ट्वीट करके ये जानकारी खुद शेयर की है। जहां पर विनाटा एरो मोबिलिटी के द्वारा तैयार की गई ये कार नेक्स्ट मंथ यानी कि 5 अक्टूबर को लंदन के सबसे ज्यादा बड़े शो विमान प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया गया है, जहां पर अप्रूव होने के बाद इसको इंडिया या फिर कहें एशिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को वाकई काफी कड़ी मेहनत के बाद बना करके तैयार किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की चाइनीज चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसको पूर्ण स्वदेशी रूप से भारत के स्टार्टअप के द्वारा तैयार किया गया है। तो विनाटा एरो मोबिलिटी को हमारे रेलगढ़ फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हम उम्मीद करेंगे कि देश की जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं या और भी सेवाएं हैं उसमें ये फ्लाइंग कार्स इस्तेमाल की जाए और इनका प्रोडक्शन इंडिया में बड़े स्तर पर किया जाए और इनको एक्सपोर्ट भी दुनिया भर में किया जाए ताकि मेड इन इंडिया का टैग दुनिया भर में देखने को मिले। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। भारत के ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।